Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Zhang Keidan, Chairman, China Atomic Energy Authority, Federal Ministers, Mr. Nong Rong, Chinese Ambassador to Pakistan, Mr. Yu Jianfeng, Chairman, China National Nuclear Corporation, Director General, SPD, Mr. Mohammad Naeem, Chairman, Pakistan Atomic Energy Commission, Federal Secretaries, delegates from People's Republic of China, and distinguished ladies and gentlemen. मुझे सबसे पहले तो आज खुशी है कि K2 जो चाइना और पाकिस्तान की कॉपरेशन से ये जो K2 की आज हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं 1100 मेगावाट बिजली पैदा करेगा लेकिन सिर्फ 1100 मेगावाट बिजली पैदा नहीं करेगा 1100 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करेगा ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है पाकिस्तान को क्योंकि हमारा मुल्क बदकिस्मती से दुनिया में वो 10 मुल्कों से है जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से मुतासर है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान को वो 10 मुल्क हैं जिनको सबसे ज़्यादा ख़तरा है और उसकी वजह यह है कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पाकिस्तान का 80% दरियाओं का पानी सप्लाई करते हैं और जिस तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो हमारे ग्लेशियर्स के अंदर जिस तेज़ी से वो पिघल रहे हैं तो हमें ख़तरा ये है कि अगर हम इसी रेट पे अगर हमने इसको रिवर्स ना किया तो आगे हमारे आने वाली नस्लों को बहुत बड़े पानी का मसला होगा क्योंकि हमारा जो पानी दरियाएँ हैं उसके ऊपर हमारा मुल्क सस्टेन करता है हमारा एग्रीकल्चर हमारी फूड सिक्योरिटी तो इसलिए हमारे लिए क्लीन एनर्जी बहुत ज़रूरी है और इसलिए K2 की आज इनॉग्रेशन करते हुए मुझे बहुत खुशी है कि हमने एक ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो पाकिस्तान में क्लीन एनर्जी देगी जिस तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिक है जो हमारी बदकिस्मती से हमने पानी के ऊपर इतनी ज़्यादा बिजली बनाई नहीं जितना पाकिस्तान में पोटेंशियल है दूसरी चीज़ इस K2 प्लांट से जो अभी मेंशन किया गया हमारे चाइना की अभी उनके एटॉमिक कमीशन के दोनों जो हेड्स ने कि इससे जो पाकिस्तान की मैन पावर ट्रेन हो रही है और होगी आगे मज़ीद क्योंकि उन्होंने मेंशन किया कि 40,000 चाइनीज साइंटिस्ट ओवर अ पीरियड पाकिस्तान में आते रहे तो इसका मतलब कि हमारे जो सबसे बड़ा इशू है टेक्निकल एजुकेशन देने का और हमारे जो नई जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इस पावर प्लांट की वजह से होगी इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा हमारे मुल्क को तो ये भी हमारा एक चाइना के साथ जो कोऑपरेशन पिछले 30 साल से हमने न्यूक्लियर में ख़ास तौर पे हालांकि जो पहला मेरी डिस्ट्रिक्ट में मियांवाली में पहला चश्मा में जो पावर प्लांट बना है और अब मज़ीद और बढ़ते जा रहे हैं तो इससे पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं एक तो डायरेक्ट फ़ायदा है इसका K2 का लेकिन जो आगे जो हमारी मैन पावर ट्रेन हो रही है उससे माशाल्लाह बहुत आगे हमें फ़ायदा होगा मुझे जो दूसरी चीज़ आज हम सेलिब्रेट हम कर रहे हैं कि 70 साल पाकिस्तान चाइना की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल हुए थे 70 साल पहले उसकी आज हम उसको वो दिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ये हमारी बड़ी एक यूनिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ और एक अब वो एक ऐसी रिलेशनशिप बन चुकी है कि एक तो मुसलमान दुनिया से रिलेशनशिप है वो तो एक हमारी दीनी तौर पे एक हम उनके साथ हमारे दीन की वजह से हम कनेक्टेड हैं लेकिन चाइना के साथ एक हमारी एक ऐसी पॉलिटिकल रिलेशनशिप है जो कि नीचे तक पहुंच चुकी है आम आवाम तक हालांकि हमारे ताल्लुकात चाइना से इतनी इंटरेक्शन नहीं है और इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे अब हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट चाइना से बढ़ते जाएंगे लेकिन इसके बावजूद कि इतने ज़्यादा कांटेक्ट्स नहीं है हमारे जो लोग हैं मैन पावर और दुनिया में ज़्यादा जाती है मसलन मिडल ईस्ट में जाती है मगरबी ममालिक में जाती है लेकिन चाइना से एक ऐसी रिलेशनशिप है जो नीचे तक
हर सतह पे पहुंच चुकी है, और उसकी वजह यह है कि लोगों के अंदर, हमारे कौम के अंदर एक ये हमारे दिल में ये चीज़ बैठ गई है कि हर मुश्किल वक्त पे चाइना हमारे साथ खड़ा होगा। और ये जो चीज़ है, ये जो तासुर चला गया कि हमारे साथ चाइना एक हमारा एक ऐसा दोस्त है कि मुश्किल वक्त में जब हमारे साथ खड़ा होगा, इसलिए एक बड़ी इमोशनल अटैचमेंट हो गई है पाकिस्तानियों की चाइना के साथ। और ये जो हमारी आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 70 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेसी विद चाइना, ये एक ऐसे ताल्लुक हैं जो कि आगे हम देख रहे हैं कि अब मज़ीद और बढ़ते जाएंगे। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि हमारा एक नेबर तेज़ी से अब दुनिया की टॉप दो पावर्स में पहुंच चुका है, लेकिन जिस तरह आगे दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है कि जिस रेट पर चाइना जा रहा है इनको कोई रोक नहीं सकता, तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ एक इस तरह की दोस्ती एक उस मुल्क से है जिससे हम बहुत कुछ अब सीख सकते हैं। जो इनकी जिस तरह का इन्होंने प्रोग्रेस किया है उससे चाइना पाकिस्तान बहुत सीख सकता है। जिस तरह इनके शहर फैलते गए और बड़े होते गए और उन्होंने फिर संभाला, पोल्यूशन कंट्रोल पे अब ये जो लगे हुए हैं, और हमें भी यही मसले आ रहे हैं, अब हमारे भी अर्बन सेंटर्स बड़ी तेज़ी से फैलते जा रहे हैं, तो चाइना में भी ये प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने कैसे कोप किया, हम उनसे ज़्यादा सीख सकते हैं बनिस्बत के मगरबी ममालिक की जो डेवलपमेंट है वो मुख्तलिफ जो चाइना की हुई है। और फिर चाइना ने जिस तरह गुरबत को कंट्रोल किया, और अब हम ख़ास तौर पे शी जिनपिंग को मुबारक देते हैं कि उन्होंने अनाउंस किया कि एक्सट्रीम पॉवर्टी चाइना में उन्होंने ख़त्म कर ली है, जंग जीत चुके हैं उसकी। और ये बड़ी एक पिछले 35 साल का एक सफ़र है चाइना ने, जो प्लान करके लोगों को गुरबत से ऊपर लेके आए हैं। इससे पाकिस्तान बहुत सीख सकता है, और हमें जो हमारी गवर्नमेंट का तो सबसे बड़ा है ही ये चीज़ कि हमने लोगों को अपनी आवाम को गुरबत से ऊपर लेके आना है। तो यहाँ चाइना एक वो मुल्क है जिसकी कोई मिसाल नहीं है, और कोई किसी दुनिया में मिसाल नहीं मुल्क में जिसने इस तरह को 70 करोड़ लोगों को 35 साल में गुरबत से ऊपर लेके आए। और फिर हम एक और चीज़ सीख सकते हैं चाइना से, और ये स्पेशली प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जिस तरह इन्होंने करप्शन के खिलाफ जहाद लड़ी है, और इन्होंने ये शो किया है कि प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता, एक मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक, और करप्शन निचली सतह की नहीं, इन्होंने निचली सतह भी टैकल की, लेकिन ऊपर की सतह की करप्शन को जब तक आप टैकल नहीं करते, जब ताकतवर को आप कानून के नीचे नहीं लेके आते, तब तक मुल्क प्रोग्रेस नहीं करता। तो इन्होंने मुझे, इनके पिछले एम्बेसडर बता रहे थे कि इन्होंने तकरीबन 425 मिनिस्ट्रियल लेवल के लोगों को करप्शन में सजाएं दी हैं। तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है, क्योंकि हम भी, हमारी भी नैब फंक्शन कर रही है 23 सालों से, लेकिन करप्शन के ऊपर काबू नहीं पा सके। वजह ये कि हम छोटे लोगों को पकड़ते हैं। चाइनीज़ ने हमें ये बताया कि असल में जब ऊपर की करप्शन को हाथ डालते हैं तब एक मुल्क में करप्शन कम होती है। तो हमें इसके अलावा जो चाइनीज़ के जिस तरह की इनकी डेवलपमेंट हुई है उससे पाकिस्तान को बड़े लेसन, और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी इनसे बड़े क्लोज टाइज हैं। और जो CPEC है, जो BRI का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका जो सबसे वो उसको समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो CPEC है। तो CPEC में पहले तो हमारी सिर्फ कनेक्टिविटी की तरफ तवज्जो थी और पावर प्रोजेक्ट्स की तरफ, और अब जो CPEC है वो एक्सपेंड कर रहा है और चीज़ों पे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे और एग्रीकल्चर के अंदर, जिसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि चाइना की जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर में वो हमारे से बहुत ज़्यादा है। तो हम ये सोच लें कि हम अगर अपनी पैदावार दुगनी कर दें चाइना की हमारे से 3 गुना, और ख़ास तौर पे दूध, उनकी जो गाय है वो ये 5 या 6 गुना ज़्यादा दूध देती है हमारी गाय से। तो हम सिर्फ अगर अपनी इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से और इनकी टेक्निक से हम डबल ही कर लें अपनी पैदावार, तो पाकिस्तान बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो मैं आज इस ओकेजन के ऊपर फिर से, पहले तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, और फिर जो इन्होंने ये जो K2 चाइना के साथ मिलके इसकी जो आज इनॉग्रेशन है, मैं आपको मुबारक देता हूँ।
और हमारी जो 30 साल ख़ास तौर पे एटॉमिक एनर्जी में कोऑपरेशन है चाइना के साथ, उसको दाद देता हूँ। और आखिर में कि जो हमारा 70 साल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप चाइना के साथ शुरू हुई है, उससे वो एक बड़ा अच्छा खुशायन दिन है, हम सेलिब्रेट करते हैं उसको आज, क्योंकि ये आगे और भी ज़्यादा इंशाल्लाह ये हमारी कोऑपरेशन और भी बढ़ती जाएगी और इससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा और हम इंशाल्लाह अपनी जो डेवलपमेंट है उसको मज़ीद तेज़ कर सकेंगे। शुक्रिया।